बुरहानपुर जिले की जनपद पंचायत बुरहानपुर में फर्जी दस्तावेज के माध्यम से नियुक्ति लेने वाले बाबू व कर्मचारी पर कार्रवाई करने के लिए आदिवासी विकास परिषद के रविंद्र मसाने द्वारा जनपद पंचायत बुरहानपुर सीईओ के खेड़े से भेंट की गई व मामले में आरोपी शरद पवार पर कार्रवाई करने का निवेदन किया गया। इससे पूर्व में भी कलेक्टर व जिला पंचायत सीईओ को ज्ञापन दिया गया था, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई न होने के कारण अब एक बार पुनः जनपद सीईओ को रिमाइंडर दिया गया है। आपको बता दें, जनपद पंचायत बुरहानपुर में पदस्थ बाबू शरद पवार व कमलेश कौशिक महाजन द्वारा नियुक्ति के समय फर्जी दस्तावेज लगाए गए थे, जिसे जिले के आरटीआई एक्टिविस्ट डॉक्टर आनंद दीक्षित द्वारा सूचना के अधिकार से जानकारी निकालकर शिकायत की गई थी। शिकायत पर जांच अधिकारी ने अपनी जांच में उक्त दोनों व्यक्तियों की नियुक्ति नियम के विरुद्ध व फर्जी दस्तावेज से होना बताया था। बावजूद इसके आज तक दोनों पर कोई कार्रवाई नहीं की गई, जिसे लेकर अब मामला फिर जनपद पंचायत सीईओ के खेड़े के संज्ञान में लिया गया है। अभी अपन क्या चाह रहे हैं, आज दो साल से ये सारे डॉक्यूमेंट्स निकालने के लिए कितनी परेशानी होती है आप भी जानते हो, क्योंकि अगर आपके बोला हस्ताक्षर है कोई डॉक्यूमेंट निकाल। बुरहानपुर जनपद में आज आपने सीईओ से मुलाकात करी, क्या कारण रहा था इसका? पिछले हमने कुछ शिकायतें की थी शरद पवार और कमलेश कौशिक के मामले में, जो अनियमितताओं के मामले में और गलत तरीके से नौकरी हासिल करना, गलत जाति प्रमाण पत्र के आधार पर नौकरी हासिल करना, इस मामले में पूर्व में शिकायत की गई थी। उसी शिकायत का रिमाइंडर आज सीईओ को दिया गया जनपद पंचायत के, जिनसे संतुष्टिपूर्ण जवाब मिला कि आज हम इसके ऊपर कार्रवाई करेंगे, निश्चिंत रहिए। इसके पूर्व में किस किस से शिकायत की थी आपने? इसके पूर्व में कलेक्टर से शिकायत की थी, जनपद सीईओ से शिकायत की थी, कमिश्नर से शिकायत की थी और जिला पंचायत में शिकायत की थी। क्या मामला था दोनों का? दोनों का मामला नौकरी गलत तरीके से हासिल करना, ये मामला था उनका। तो अगर आगे कार्रवाई नहीं होती तो आप क्या करेंगे? आगे कार्रवाई नहीं होती है तो अब इन शिकायतों के आधार पर एफआईआर दर्ज करेंगे। आपका नाम? रविंद्र मसाने। उन्होंने जल्द कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है।